तीन दोस्त और एक अधूरा सपना लेकर अपने बस्ते में निकल पड़े हैं एक सफ़र की ओर। अब ये अधूरा सपना इस सफ़र में पूरा होता है नहीं, जानने के लिए देखते रहिए। तो सबसे पहले इस सफ़र पे चलने के लिए हमें करनी थी बस बुकिंग, और इस बार जिस बस से हम जा रहे हैं वो ऑर्डिनरी है। यस, ऑर्डिनरी। तो बस की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये हमें अराउंड पड़ी थी 850 समथिंग, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं मुझे। ये बस कश्मीरी गेट से 9 बजे चलने वाली थी और हमें कुंड पहुंचाने वाली थी अर्ली मॉर्निंग। आपको कुंड के लिए बस नहीं मिलेगी, आपको गुप्तकाशी तक की बुकिंग करनी पड़ेगी। रास्ते में कुंड पड़ता है, वो आपको कुंड उतार देंगे, फिर वहाँ से आप आगे चोपटा या फिर ऊखीमठ, और ऊखीमठ से डायरेक्ट चोपटा। तो चलो चलते हैं। जब मैं बस के लिए बुकिंग कर रही थी तो लिटरली मुझे आइडिया नहीं था ये वाली बस होगी, बट अब जब मैं यहाँ आई हूँ ना बस की हालत देख के जो मुझे रोना आया, आई स्वेर, बट कहीं तो जाना ही है। और इस बस के लास्ट टाइम मैं रो रही थी, तो इस बार ये बस मिली है। इस बार हम जा रहे तीन लोग, तीनों की अधूरी यात्रा पूरी कर लो, होपफुली इस बार हमारी यात्रा पूरी हो। हर हर महादेव। हाँ, ये वाली बस है जिसमें जमाने में चढ़े हुए, इसमें जाएंगे हम। यहाँ कहाँ तक जा रहे हैं? कुंड तक। अब बस को देख करके ऐसा रोना सा आ रहा है मुझे बट अभी देखो आगे हम कैसे पहुँचते हैं। ब्लड ग्रुप भी मेरा बी पॉजिटिव, तुझे पता है। इस बस को देख के मैं रोई थी बट बाय गॉड बड़ी सही बस है। उतरने के बाद तो कितना दोबारा बोल उतरने के बाद तो अच्छा लगेगा। स्पेस बहुत है यार इसमें, क्योंकि एसी वाले बस में भी गए हैं, लग्जरी वाले में भी गए, बट ना उसमें इतना स्पेस नहीं मिला है। यहाँ स्पेस बहुत है और सीट भी बहुत गजब है भाई साहब, कंफर्टेबल। लेदर वाली सीट है हमारी, लेदर वाली। खड़े होके चले जाएंगे बट मानना नहीं वो। तू चले तो खड़ो कैसे, ऐसी जर्नी दिख रही है ना तुम्हें, कैसी थी? कैसी रही नींद भावना? क्या कहना चाह रही है तू नींद के बारे में? नींद आ तो रही है पर हम सो नहीं पा रहे हैं ना, कुछ ज्यादा मजा आ रहा है इस बस में हमें, है ना? इसने इतनी तारीफ कर दी, अरे वाह, सीट में जा रहा है। जिसकी तारीफ कर देते हो ये नहीं करता। पूरे दिन में जाती है, इतनी अच्छी है, वो हमें सोने नहीं दे रही, कह रही एंजॉय करो जर्नी। क्या सोओगे तो? सही बात है, इतने पैसे खर्च करके जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दोबारा कभी नहीं मिलेगी। 2:30 बजे थे और हमारी बस रुकी है ऋषिकेश में। बहुत कोशिश करी है, नींद सो नहीं पाए हम, नींद बहुत तेज आ रही है पर सो नहीं पाए। अब रुकी है 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए अप्रोक्स कह रहे हैं ये लोग, 3:30 निकलेंगे पर 4 बजा देंगे, तो सोने की कोशिश करते हैं। लगभग 4:15 बजे तक बस ऋषिकेश से निकल चुकी थी गुप्तकाशी तक की तरफ, वो हमें रास्ते में कुंड पे छोड़ती। जैसे तैसे रात का सफ़र तो बीत गया था, सुबह हो चली थी और बस इंतज़ार था जल्द से जल्द कुंड पे पहुँचने का। बस अच्छी है, कंफर्टेबल इतनी नहीं है क्योंकि ना वो स्लिप हो रही थी बार बार, आप सो नहीं सकते उसमें आराम से, तो इतनी बस इतनी ही कंफर्टेबल है कि आप बैठ सकते हो आराम से, आपको स्पेस मिलेगा, बट अगर आप सोना चाहते हो तो यू कांट। लगभग 9:15 के आसपास बस ने हमें कुंड पे छोड़ दिया था, और लक बाई चांस वाली बात है कि हमें तब वहाँ पे टैक्सी भी मिल गई थी। टैक्सी वही उनकी जो छोटी सी कैब होती है उसमें लेके जाता, और लक बाई चांस हमें डायरेक्ट चोपटा तक के लिए मिल गई थी। हमें ऊखीमठ से चेंज नहीं करना था, वो डायरेक्ट चोपटा लेके जाती, बट पैसे हमारे ज़्यादा लग रहे थे। पिछली बार जब मैं आई थी तो मेरे 200 रुपये लगे थे ऊखीमठ से चोपटा तक के, और कुंड से ऊखीमठ जाने के 30 रुपये लगे थे, मान लो 230 रुपये लगे थे। इस बार इन्होंने 300 रुपीज़ चार्ज करा पर पर्सन ऊखीमठ
कुंड टू चोपटा के लिए। हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है दोस्त। मस्त बाहर का नज़ारा देखते हुए, गाने सुनते हुए, गाते हुए हम चले जा रहे थे, तभी अचानक हमारी गाड़ी रुकी। क्यों? कितना भी ट्राई कर लो, होता तो है नहीं जैसा हम चाहते हैं। सोचा था हम पहुंच जाएंगे टाइम से, पर रास्ते में अब इन्होंने कुछ कहा है कि पत्थर गिर रहे हैं, इन्होंने रास्ता बंद करा हुआ है, आगे जेसीबी लगी हुई है। अब पता नहीं रास्ता कब खुलेगा, कब हम आगे पहुंचेंगे, कब आगे का काम धाम शुरू होगा। मौसम तो क्लीन है वैसे आज का। मौसम क्लीन है, लोग भी बहुत सारे हैं। क्या बोल रही कल्पना, तुझे कुछ गिरता हुआ नहीं दिख रहा? तुझे गिरता हुआ दिखाई देगा? मत बोल यार भावना, ऐसे मत। उसके बाद तो बस हम प्रे करते हुए जाने लगे कि प्रभु प्लीज बचा लो, संकट हरो और बस दर्शन करवा दो आराम से। ये रास्ते हमेशा एक जैसे लगते हैं, कितनी बार भी आ जाओ। और बस मन करता है इन्हें एक टक देखते जाओ देखते जाओ। आधा सुकून तो यहीं मिल जाता है। खैर, हम अपनी सफर की ओर चले जा रहे थे। और लगभग 11 बजे के आसपास हम चोपटा पहुंच चुके थे। अब चोपटा पहुंचने के बाद हमारा टास्क था कोई रूम देखना वहाँ पे। हम कोई सस्ता सा अच्छा सा टिकाऊ सा रूम देखने की कोशिश कर रहे थे, बट इनके ना सारे रेट्स फिक्स थे, 2500 से स्टार्ट था और ऊपर की तो रेंज ही मत पूछो, वो बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ हमने पूछ लिया तो मिनिमम 2500 ही था, तो हमने फिर एक 2500 का एक छोटा सा रूम लिया। इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ प्रॉब्लम रहती है, सोलर एनर्जी पे सब कुछ काम चलता है, वो भी शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाइट रहती है। तो ठीक है, लाइट का तो हमें वैसे भी कुछ नहीं करना था। हमारा उस टाइम मेन ये था कि फटाफट फ्रेश वगैरह हो करके सामान रख करके हमने ट्रैक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके थे, निकलते निकलते हमें 12:30 बज ही जाते। टाइम क्या हो रहा है? और हम तैयार होके 12 बजे निकले हैं। अभी हम करेंगे लंच, क्योंकि हम बेचारे कल रात से भूखे हैं, और फिर हम देखेंगे रेंट पे लेना है कुछ सामान वगैरह, तो रेंट पे लेंगे और फिर हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। रूम मिल गया हमें, ये हमारा रूम है। 2500 ईच, नहीं ईच रूम, ठीक ठाक है यार। यहाँ लाइट नहीं होती, रात को ही आएगी, सोलर से लाइट चलती है, ठंडा हो रखा है सब कुछ, बट मौसम बहुत ऑसम हो रखा है। और होपफुली हमें स्नो ना मिले और रेन भी ना मिले, क्योंकि हमने रेनकोट वगैरह सब रख दिया ऐसा, यहाँ से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था रेन नहीं होगी। बाकी देखो
आगे क्या होता है भगवान जाने। हरे राम। साढ़े बारह बजे एग्जैक्ट ट्रैक स्टार्ट हो रहा है हमारा। नॉर्मल ट्रैकिंग शूज़ है हमारे पास। सब कह रहे थे कि यहाँ से शूज़ रेंट पे ले लो, बट अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ शूज़ है ना यहाँ स्टिक्स है, कुछ भी नहीं है। हर हर महादेव। मैं तुंगनाथ एंट्री के लिए टिकट है, ये 450। तो 150 रुपीज ईच का हमने टिकट लिया और उसके बाद 12:45 अराउंड पे ऑफिशियली हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया था। ट्रैक करते समय इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हाइड्रेटेड रहो। तो वाटर बॉटल हमने कैरी करा था और छोटे छोटे से ना हम हॉल्ट लेते हुए जा रहे थे रास्ते में। What's up? क्या लगता है इस बार हो पाएगा हमारे चंद्रशिला? बी पॉजिटिव। पिछले दो बार से हूँ मैं। And this is the first time. जब हम आए थे तो मौसम बिल्कुल क्लीन था, सनी था। इवन फोरकास्ट में भी लिखा था 2 डेज तक ये सनी ही रहेगा, बट जब हम ऊपर पहुँचे तो थोड़ा क्लाउडी हो गया था और प्लस ये जो रास्ता था बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक तो यहाँ जगह नहीं थी जाने की और ऊपर से जितनी जगह थी ना बहुत स्केरी था क्योंकि बर्फ़ जमी हुई थी। बाय चांस कुछ इधर से उधर होता ना स्लिप होकर के कोई नीचे जाता, तो फिर हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया था कि ये रास्ता भी ख़राब है, आगे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे, चंद्रशिला हमारा हो नहीं पाएगा, तो हम लौट चलते हैं। दिस इज़ थर्ड टाइम हम इतने ऊपर आ कर के फिर हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ना आपको स्मार्ट एंड सेंसिबल डिसीज़न लेना पड़ता है, तो वही डिसीज़न लिया हमने। आगे रास्ता था ही नहीं जाने लायक, और ये था हमें कि हमारा चंद्रशिला इस बार भी नहीं हो पाएगा। तो जब चंद्रशिला हो ही नहीं पाएगा, वेदर आप देख लो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ना बिगड़ रहा है, तो फिर हमने सोचा इट्स बेटर टू ट्रैक डाउन। कम से कम नीचे जाके आराम से तो रहें, फालतू में काय को रिस्क लेना। एंड इट्स ओके, मे बी अब मैं 4th time आऊँगी और ये 4th time अब पता नहीं कब होगा, बट सीरियसली क्रेविंग एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक मी टू रीच अप देयर। गॉड आई एम टायर्ड बट स्टिल होपफुल। जैसे हमने डिसाइड करा कि हमें यहाँ से लौट चलना है, हम थोड़ी देर आगे ही चले थे कि बहुत भयंकर स्नोफॉल होने लगी। मतलब बहुत भयंकर, इट्स नॉट स्नोफॉल, इट्स लाइक ओले पड़ रहे हैं स्नो के रूप में, वो भी तूफान के साथ। ऐसा लगा था भगवान बर्फ मार मार के भगा रहे हो कि जाओ यहाँ से, जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हो, कुछ काम धंधा नहीं है क्या। और ये बहुत स्केरी था। स्केरी इसलिए था क्योंकि मैंने ऐसा स्नोफॉल नहीं देखा था कभी। बहुत तेज हवा चल रही थी और बर्फ के बड़े बड़े गोले पड़ रहे थे पटपट, चोट भी लग रही थी। मैं तो पूरी कवर्ड थी, बस प्रे कर रही थी जल्दी जल्दी नीचे पहुंच जाऊं। मैं सीरियसली इस वाली ट्रैक में ना अंदर से एक तो दुखी थी क्योंकि 3rd time है और चंद्रशिला नहीं हो पाया, प्लस इतना गंदा तूफान आ रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भगवान चाहते क्या है। बट खुद को समझाते हुए, दिलासा देते हुए बस कदम बढ़ाई जा रही थी
दैट्स इट। कभी सोचा नहीं था ट्रैक डाउन करना इतना टफ होगा, इतना टफ। ऐसा लगा था जैसे टाइम रुक गया हो, ख़त्म ही नहीं हो रहा और ये ट्रेल भी ख़त्म नहीं हो रही। मतलब बस हम चले ही जा रहे थे। बट इवेंचुअली फिर हम नीचे आ गए और फिर जो सुकून मिला है ना नीचे आ करके, ओ माय गॉड, आई जस्ट कांट टेल यू। फिर हम अपने रूम में गए, चेंज वेंज करा और चाय पी, मैगी खाई, गपशप करी और सो गए। फिर उठे हम सुबह अराउंड 5:30 में उठी थी। फिर उसके बाद बाहर का नज़ारा देखने के लिए आ गई थी। सब कुछ बंद था, कुछ खुला हुआ नहीं था। मैंने सोचा चलो सुबह का लुत्फ उठाया जाए, ऐसी सुबह बहुत किस्मत से मिलती है, मुझे अच्छा लगता है वैसे भी। ये कहाँ आ गए हम, तेरे साथ साथ चलते। गुड मॉर्निंग, कभी कभी चलते चलते हम बहुत दूर आ जाते हैं, इतनी दूर जहाँ से पीछे मुड़ के देखो तो कुछ दिखाई नहीं देता, कोई दिखाई नहीं देता। पर फिर भी कई बार हमें रुक जाना होता है और कई बार हमें चलते जाना होता है। दिस इज़ लाइफ। गर्मी गर्मी कभी सर्दी चाहिए क्या तुम लोगों को भाई? हम इंसान हैं, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। आप निकल गए ना, बस जाओ, ये ऐसे नहीं चलेगा। और फिर हमने चाय नाश्ता किया, तैयार हुए और निकल पड़े। थोड़ी सी मस्ती करी, थोड़ा सा घूमना फिरना, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, और फिर हम निकल पड़े दिल्ली की ओर। चोपटा से हमने शेयरिंग कैब ली थी जिसने हमें ऊखीमठ तक छोड़ा था। उसने चार्ज लिए थे 2,000 रुपीज़ पर वैन, जिसमें हम 6 लोग थे तो इक्वली डिवाइड हो गया। फिर जब हम चोपटा पहुँचे तो फिर जब हम फिर ऊखीमठ पहुँचे तो हमें ऋषिकेश जाना था। फिर हमने वहाँ से एक शेयरिंग कैब करी जिसने हमसे 7,000 उन्होंने बोला था। बहुत रो दो के हमने 6,500 करा, हम 6 लोग ही थे। तो फिर वहाँ से हम ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश पहुँचने के बाद थोड़ी सी हमने लक्ष्मण झूला वाली गलियाँ नापी। पहले तो हम वहाँ जाके जो लक्ष्मण झूला के साइड में घाट है वहाँ गए, वहाँ जाके हम थोड़ी देर बैठे। फिर वहाँ से हम वापस लौटे क्योंकि बस हमारी 10:30 की थी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम था। हम कैफ़े गए, स्टॉकहोम समथिंग कैफ़े का नाम था। थोड़ी देर वहाँ हम बैठे, थोड़ा चिल किया। फिर उसके बाद हम लौट चले अपनी गाड़ी की ओर। फिर वहाँ हमने वेट करा गाड़ी के आने का, गाड़ी लगभग 11 बजे आई। और फिर थोड़ी देर खी करते हुए सो गए और फिर सुबह उठे हम शायद 4:30 अराउंड, इन्होंने हमें छोड़ दिया था दिल्ली। फिर उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए और ये हमारा सुखद सफ़र यहीं समाप्त हुआ। अब मिलेंगे अगले सफ़र पे, मे बी नेक्स्ट टाइम मेरा चंद्रशिला कंप्लीट हो। सी यू सून, हैव फन, मज़े करो। हर हर महादेव। सही बोलता, सही बोलता, सही बोलता, सही बोलता।